फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कद्दू की खट्टी मीठी और तीखी सब्जी। कद्दू की खट्टी मीठी और चटपटी सी ये सब्जी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस सब्जी को आप पूरी, पराठे या फिर रोटी के साथ या फिर सिंपल चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चटपटी और तीखी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एकदम हरा वाला 1 से 1.5 किलो का कद्दू। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर वाले हिस्से को नाइफ की हेल्प से काट कर अलग कर लेंगे। ऊपर के हिस्से को काट के अलग करने के बाद इसे हम 2 बराबर भागों में काट कर अलग कर लेंगे। तो हरे कद्दू की जो सब्जी होती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हमने इसे 2 बराबर भागों में काट कर अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बीज की क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हम सारे कद्दू की सब्जी नहीं बनाएंगे, एक हिस्से को लेंगे और एक हिस्से को हम रख देंगे साइड में। तो जो हमने हिस्सा लिया है उसके कई छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेंगे, जिससे हमें कद्दू काटने में आसानी होगी। तो स्लाइसेस में काटने के बाद इसके हम एक हिस्से को लेंगे और इसके छिलके को बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि हरे कद्दू की छिलके वाली सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो जो बीज वाला पार्ट है उसे काट करके हम अलग कर लेंगे। उसके बाद इसे हम मोटे मोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो इनके टुकड़ों को आप अपने अनुसार बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज के टुकड़े काट रही हूँ। तो इसी तरह से हम सारे कद्दू को इसी शेप एंड साइज़ में काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कद्दू को सेम शेप एंड साइज़ में काट लिया है। तो चलिए अब देर ना करते हुए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे लगभग 3 बड़ा चम्मच के बराबर रिफाइंड ऑयल। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। और तेल को होने देंगे गरम। तो तेल जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी के दाने। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे लगभग 3 से 4 चुटकी के बराबर हींग। हींग ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 तेज पत्ते और 1 चम्मच हम ऐड करेंगे खड़ी धनिया। तो ध्यान रहे जब हम इन मसालों को ऐड करेंगे फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए। और मसालों को ऐड करने के बाद इसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, जिससे तेल में इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। जब मसाले अच्छे से हमारे पक जाएंगे तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 मीडियम साइज की प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 मीडियम साइज की प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक, इसका कलर चेंज होने तक इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। हल्का कलर चेंज होने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमने यहाँ पे लिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। इससे हमारी सब्जी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। तो इन सभी मसालों को हम लो फ्लेम पे भून लेंगे तो मसाले हमारे यहाँ पे जल नहीं जाएं। इसकी वजह से हम यहाँ पे डालेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच के बराबर पानी। पानी की क्वांटिटी ऐड करने के बाद हम यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे हम सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले हमारे यहाँ पे अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए कद्दू और कद्दू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे इसे हम ढक देंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने देंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है और सब्जी भी हमारी लगभग 80% तक पक गई है। एक बार इसे हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गुड़। आप गुड़ की जगह पर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, जो हमारे सब्जी के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। और इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच काला नमक। काला नमक डालने से सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1/4 चम्मच
अमचूर पाउडर। आप इसके जगह भी कच्चे आम का भी यूज़ कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम फिर से 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए ढक देंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट हो गया और सब्जी का कलर भी देखिए बहुत ही अच्छा आया है। और जो सब्जी हमारी है वो सर्व करने के लिए तैयार है। तो फटाफट से बनने वाली और बहुत ही कम मिर्च मसालों से बनी ये कद्दू की खट्टी सब्जी को आप पूड़ी पराठे या फिर सिंपल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये फटाफट से बनने वाली कद्दू की सब्जी की रेसिपी डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। तो आप एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।